हाय गाइस, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बनाएंगे आलू टिक्की वाली इडली। ये हमने 1.5 कटोरी सूजी और आधा कटोरी चावल का आटा ले लिया है। हमने आधे इसमें आधा चम्मच नमक और हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी दही। ये है आधा कटोरी दही। दही हमारी खट्टी है तो इसलिए हमने थोड़ी कम ही ली है। खट्टी ना होती तो हम इसे 1 कटोरी लेते। अब हम इसे इसमें डाल देंगे। दही हमारी सूखी थी इसलिए हम इसमें 1 कटोरी पानी, ये हमारी कटोरी छोटी है, कुछ दही सूखा था इसलिए पानी मिलाया हमने इसमें। और अभी अब कम रहेगा तो इसमें और हम पानी मिलाएंगे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाना है। ये देखिए, हमें इसका बैटर कुछ ऐसे रखना है, इतना गाढ़ा है। और इतने 15 मिनट ये हमारा सूजी थोड़ा सा सेट होता है, इतने हम टिक्की के लिए आलू तैयार कर लेते हैं। ये आलू मैंने सब्जी के साथ ही उबाल लिए थे, अभी मैं इनको छील के मैश करूंगी और इसमें हरी मिर्च, प्याज और लाल मिर्च और नमक ऐड करूंगी इसके अंदर। मैं जो भी आपको रेसिपी बताऊंगी ना, सब झटपट बनाने वाली बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं होता, मुझे भी जल्दी करना होता है, तो इसलिए कोई झंझट नहीं करती मैं अभी और ना आपको करना है, बस फटाफट बनाएंगे। आलू को हमने मैश कर लिया, हाथ से किया। अब हम इसमें डालेंगे ये कटी हुई 6 मिर्चें और एक ये छोटी प्याज है, उसके अंदर डालेंगे, और आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक। हरी मिर्च और ये प्याज। अब हम इसको मिलाएंगे और उसकी बनाएंगे टिक्की। पहले बॉल बनाएंगे, बॉल से फिर टिक्की। हमारी ये आलू की टिक्की बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे भरेंगे और इतनी हमने अभी पानी उबलने को रख दिया है बल इडली मेकर के अंदर, और इसमें आधा नींबू भी डाल दिया कट करके, ताकि हमारा इडली मेकर काला ना पड़े। फ्लेम को हमने चालू कर दिया है। अब हम करते हैं आगे का प्रोसेस। इतनी देर हमारा पानी बॉयल होता है, हम इसको ग्रीस करके इसके अंदर इडली भर देंगे, सूजी भर देंगे। सारे सांचों को हमने ग्रीस कर दिया, और इसको भरने से पहले हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर, छोटा सा चम्मच चाहिए, और इनो आधे से थोड़ा सा ज्यादा पैकेट इनो का, थोड़ा सा बचाएंगे इसमें। अब इसको मिला देंगे फटाफट, इनो और बेकिंग पाउडर मिला दिया हमें। इससे थोड़ा सा बैटर गाढ़ा लग रहा है, हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। अब हम एक एक करके इसे भरेंगे इसको, और फिर इसमें रखेंगे ये टिक्की ऐसे, और फिर इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ठीक, इतनी बढ़िया हमारी इडली बनेगी। इसी तरह हम सारे इडली भर देंगे। हमने सारी इडली को अच्छे से कवर कर दिया है, और अब हम इसे रखेंगे इडली मेकर के अंदर। पानी हमारा उबल गया है, हम इसे रखेंगे इसके अंदर। अब हम इसे ढक के रख देंगे और 15 मिनट बाद। अब हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, खोलते हैं इडली को, करते हैं इसको चेक एक चाकू से। ये देखिए, बिल्कुल हमारा चाकू साफ है, इसका मतलब ये हमारी इडली हो गई है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए खोल के रख देंगे ताकि इसकी हवा निकल जाए, और फिर इसको चाकू की हेल्प से बाहर निकालेंगे और सर्व करेंगे। हम इसे सर्व करेंगे लाल मिर्च वाली तीखी चटनी के साथ, और चाय से भी खा सकते हैं। अब हम करेंगे इडली के लिए चटनी। इसमें हमने ले लिए हैं 5-6 मिर्च लाल वाली, लहसुन, टमाटर
और आधा चम्मच नमक। बहुत इजी वे से हम बनाएंगे, झटपट बन जाएगी एकदम से। और हम चाकू की हेल्प से इडली को निकालेंगे। ये रही हमारी इडली, अब हम इसको बीच से कट करेंगे। हमारी इडली इस तरह दिखेगी। और हमारी चटनी भी अब हो गई है, सर्व करते हैं। इसके साथ बनाई है हमने लाल मिर्च की तीखी वाली चटनी, इसके साथ खाएंगे इसको। सूप भी बना सकते हैं, सांभर चटनी, और हम इसे चाय के साथ खाएंगे। आप भी बनाइए, खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली इडली। बनाइए, चलिए।